लखनऊ में ही की बात बताता हूं, यहां की पति नंबर वन ज्ञान में नंबर वन आगे बैठता है और माता ज्ञान युगल क्या नौकरी करती स्कूल में और एक बेटा भी है छोटा, लेकिन वो रोज घर में खाना ठीक नहीं बनाना। पति जाता है उसको कहना अभी आटा पीस के लाओ नहीं तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ, अभी को ऑफिस में जा रहा तब कहेंगे क्यों, वो रोज सेंटर में जाता है 4 बजे, योग में भी मुरली एक दिन मिस नहीं करता। और माता जी खाना कर नौकरी में जा रहे हैं, खाना तैयार ही नहीं हुआ बनाएंगे, एक दिन कहेंगे खाना जाने के निकला वो खाना बन गया, गैस नहीं गैस लेके आओ अभी जाके। ऐसी हालत है। एक दिन उसने पूछा कि भाई जी ऐसे करते मैं कैसे चलूं, तो मैंने कहा उनका उपाय यही है, वो उसको पता है ये पैसा सारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में डालता है, उनके मन में कुछ संशय है, ज्ञान में चले इन्होंने कभी नहीं कहा, ज्ञान में चलो कुछ नहीं बोलता है, जो बनाया खा के जाता है चुपचाप, साधारण व्यक्ति है, तो उनके मन में एक संशय है, ये जो कमाई करता है थोड़ा सब भंडारे में भंडार भगवान को देता है, घर में कुछ नहीं करता, आटा पीस के लेके आओ गैस लेके आओ कुछ तो कुछ बोलते रहेंगे। तो मैंने कहा एक युक्ति करो, आप रिसीट सहित जो बैंक को जो मिलता है नौकरी गवर्नमेंट का रिसीट मिलता है बैंक बैंक, वो पैसा माता जी के हाथ में दिए ले लो पैसा जो चाहे करो। उन्होंने एक दिन भी उसको नहीं पूछा आपका मोटरसाइकिल पर जाता है पेट्रोल का पैसा, कभी आपको कुछ खाने में भी नहीं पूछा। जिस दिन से पैसा लिया स्वयं अपने आप गैस का सिलेंडर ले आती है, स्वयं अपने आप आटा पीस के, एक दिन भी नहीं पूछा। उस दिन से उनके मन में डाउट था ये पैसा उधर लगाता और मैं इनकी सेवा करते रहो। उस दिन जिस दिन मैंने कहा पूरा पैसा लिस्ट सहित उनके हाथ में दे दो, फिर मैंने उसको पूछा आपका खर्चा, भाई जी मैं ओवर टाइम करता हूँ वो मैंने बताया, वो मैं अपने पास रखता हूँ, वो खर्चा मैं आने जाने का और भंडारे में करता हूँ, और इतना नहीं अभी मैं आया उस माता जी ने पहले फोन करती थी ये आपका भाई ये देखो ऐसा करता ब्रह्मा कुमार बाजू में सेंटर के भाई, एक दिन भी नहीं गई सुनना, अभी मुझे एक दिन खोल गया ये भाई का मुझे कहीं लेके नहीं जाता है। अरे मैंने उसको कहा तुम उनको महीने में एकदम पिक्चर थिएटर में ले जाओ बिठाओ और आप बाहर बैठना, फिर कहा उनको होटल में जाना है आप ना नहीं करो होटल में ले जाओ, होटल में जो चाय खाओ और आप फल या जूस ले लो आप जाना ना, उनकी इच्छा पूर्ण करो, उनको भी संतुष्ट करो, आपने शादी किया उनकी भी इच्छा पूर्ण करो। किया एक दवा कहीं घूमने ले गए, एक दिन होटल में ले गए, एक दिन पिक्चर। आज अभी आया मैं, घर नया पुराना था सब बना करके बाबा का कमरा बनाया और उसने मुझे फोन किया भाई जी आपको हाथ में आके फोन ओपनिंग करना है और रेगुलर मुरली क्लास में आते हैं और सेंटर के बाजू में नया मकान बना करके बाबा का कमरा बनाया, अभी लक्ष्मी आ गई कि नारायण गया। समय इंतजार करना पड़ता है, संतुष्ट करना चाहिए, ये माता जैसी करके नहीं उनकी इच्छा संतुष्ट करो। देखो उसने उसने कुछ ना पहले भी मांगा नहीं, ना उस माता वाइफ ने कभी पति को पूछा भी नहीं तुम्हारा खर्चा, वो कहता मैं अपना ओवर टाइम का उससे बाबा का भंडारे में डालता हूँ और अपना खर्चा, मैंने एक दिन भी पूछा नहीं। कितना हो गया, कम से कम 10 साल हो गया। आज नंबर वन रेगुलर क्लास और बाबा का कमरा खोला सेंटर घर में, कहते मैं रोज भोग लगाती हूँ, अभी 15 दिन हो गया। तो इंतजार करना पड़ता है, सहन करना पड़ा, पति वाइफ कैसे भी हो, पति कैसे भी हो, आप संभाल के चलो, वो बाबा का बच्चा आज नहीं तो कल, उसको क्या चाहिए वो दे दो, आज नहीं तो कल परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ये सीखना, ये बाबा सिखाता है, हिम्मत रखो तो फल मिलेगा इसका नहीं। और एक बताओ, देखो एक माता जी गीता पाठशाला चलाती है और हर साल मधु बनाती, कहती है भाई जी हमारा पति ज्ञान में नहीं चलता है, हमने कहा नारा लक्ष्मी कमाती है नारायण खाएगा आपको चिंता क्यों है। फिर पता चला 1 साल के अंदर माता जी शरीर छोड़ के चली गई कैंसर से, पति गांव में था मकान, 2 लड़कियां हैं, आज भी उस पति ने माता जैसे शरीर छोड़ा पति ने वो मकान बेचा सेंटर के सामने मकान लिया, दोनों लड़की को आज भी जानकी दादी के पास लंदन में है, दोनों लड़कियों को दादी को दिया और वो पति 24 घंटा सेंटर की सेवा कर, कोई भी एयरपोर्ट से आएगा लेने जाएगा लेने आएगा 24 घंटा सेवा करता है। एक दिन मिला हमने कहा फिर आप पहले क्यों नहीं आया, पहले रोज माता को छोड़ने आता था लेने भी आता था लेकिन कभी अंदर घुसता नहीं था, क्यों, कहते माता जी रोज मुरली सुन के जाती है बच्चों को मारती है गुस्सा करती है, इनका परिवर्तन नहीं हुआ मैं वहां जाऊं तो क्या होगा, इसलिए दूर से हम संग सेवा करता हूं। ऐसी माता जी गई लक्ष्मी आगे गई कि नारायण आगे गया, माता जी गीता पाठ से चलाती है मुरली सुनाने भी जाती है,
अभी लक्ष्मी आ गई कि नारायण गया, समझ लिया। इसलिए सेवा करते समय परिवार मुरली सुन के जाते हो, पति बच्चे देखते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके माता जी के अंदर परिवर्तन क्या आया, अभी भी गुस्सा कर रहे हैं, अभी भी बच्चों को मारती है, गुस्सा करती है, तो ऐसे पति आएंगे बच्चे, माँ बाप पति सेंटर में आएगा कभी, कहते हमारे घर वाले ज्ञान में नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? आपके आचरण ठीक नहीं है, आप ज्ञान सुन के जाते हो, आचरण में नहीं करते हो, तो वो आपको देख के आएंगे ना, आंखें बंद करके तो नहीं आएंगे। तो दोष अपने ऊपर ही, उनके ऊपर नहीं। समझ में आया? ओम शांति।